हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर 13, अ हीरो फ्रॉम योर बुक माई इंग्लिश गार्डन. सो चिल्ड्रन, आई हैव बीन एंजॉयिंग दिस स्टोरी. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? डू यू एंजॉय दिस स्टोरी? हाउ डिड यू फाइंड इट? कीप ऑन आंसरिंग. इन द लास्ट वीडियो आई आस्क्ड यू टू आंसर 5 क्वेश्चंस. लेट्स सी हाउ डू यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट paragraphs, we'll see now. So in the last video we saw that finally his father asked him to sleep on the bench in his office room. Usse kehte office room mein tum so jana, but bench pe so jana, this is the option he gave him. So now let's see. Swami ek aur request karta hai. Humne last video mein dekha tha, Swami requests his father to have a lamp with him in the ऑफिस रूम. वो कहता है कि क्या मैं लैम्प लेके जा सकता हूँ? सो आई टोल्ड यू दैट हिज फादर इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट, ही विल नेवर अलाउ एंड ही डिड द सेम. वो कहता है कि नो, उसके फादर कहते हैं नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ योर हैबिट, ऑफ हैबिट. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. अब वो उसे कहते हैं कि नो, यू कैन नॉट कैरी एनी बर्निंग लैम्प इन द रूम. इट इज़ यू नीड टू लर्न, यू शुड लर्न हाउ टू गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ डार्कनेस. कैसे तुम उस डर से बाहर निकलो. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू. उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस अंधेरों के डर से बाहर निकलो. एंड दिस इज़ अ ओनली क्वेश्चन ऑफ कल्टिवेटिंग द गुड हैबिट्स. वो कहते हैं दिस इज़ द मैटर. ये सिर्फ एक मैटर है, ये सिर्फ एक, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपने अंदर अच्छी आदतों को कल्टिवेट करो. सो द मीनिंग ऑफ कल्टिवेट इज़ इंस्टिल और अच्छी आदतों को अपने अंदर डालना या फिर ग्रो करना, राइट? सो कल्टिवेट का मतलब उगाना भी होता है एंड ग्रो करना भी होता है. एंड इंस्टिल मतलब किसी चीज़, किसी अच्छी आदतों को अपने अंदर इनबिल्ट करना, डालना. फिर एक और रिक्वेस्ट करता है, विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. अब उससे कहता है कि ओके फाइन, यू डोंट गिव मी लैम्प, बट एटलीस्ट लेट द डोर ओपन. वो कहते हैं कि प्लीज़ डोर को तो ओपन छोड़ दीजिएगा. फिर वो कहते हैं ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनी साइड एट नाइट. वो कहते हैं ओके, आई विल अलाउ यू टू स्लीप विद ओपन डोर, बट यू प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो टू ग्रैनी टेकिंग योर बेड. वो कहते हैं टेकिंग योर बेड. वो कहते हैं कि तुम अपनी ग्रैनी के पास रात में बीच में उठ के नहीं जाओगे अपना बिस्तर लेके. सो रोल अप का मतलब अपना बिस्तर फोल्ड करके तुम लेके नहीं जाओगे. वो कहता है, वो उसके फादर से, स्वामी से कहते हैं. Then Swami was pained and angry. He hated the newspaper for printing the tiger's story. So now here same situation, same, you know, thing has come into his mind that in the morning they were talking about the tiger's story and kahan se kahan par wo he got trapped in his father's order. Wo kehta hai ki kahan wo tiger ki story padhi ja rahi thi, and unnecessarily I answered my father's question and I got trapped. वो कहता है, मन ही मन सोचता है, गुस्से में है, पेन में है, गुस्से में है, बहुत गुस्सा, गुस्से में भी उसे तकलीफ़ भी हो रही है. बट ही हेट्स, बट ही रिमेंबर्स द न्यूज़पेपर एंड ही स्टार्ट्स हेटिंग द न्यूज़पेपर. व्हाई डू दे एडिटर्स कीप सच स्टोरीज़? वो कैसे वैसे ऐसे स्टोरीज़ क्यों छाप देते हैं? तो प्रिंट मतलब छापना. एज अ नाइट एडवांस्ड एंड साइलेंस इन द हाउस डिपेंडेड, Swami remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. Ab now when the, you know, night starts falling and time passes, he finds everywhere silent all around in the house. Wo ab usko pura bilkul gup andhera hai, dark hai uske room mein, and it is completely silent all around. Har jagah pura silent hai, sab chuppi padi hui hai har jagah par, sab shant pada hua hai. Swami remembered all the story. Now children, it happens when we are sad or when we are alone, we remember all the past stories or past incidents. So here as Swami is in pain and he is very angry and he is all alone, on the top of that it is dark night and the silence going all around, silence ही गूंज रही है और कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा है. सो वॉट ही रिमेंबर्स, ही स्टार्ट्स रिमेंबरिंग ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स विच वर टोल्ड बाई हिज ग्रैनी टिल नाउ. तो उसको वो सारी स्टोरीज़ याद आने लगती हैं, क्योंकि बिफोर स्लीपिंग
एवरी डे ही लिसन्स टू स्टोरी फ्रॉम हिज ग्रैनी, वो ग्रैनी से स्टोरी सुनता है. तो आज उसको वो सारी कहानियाँ याद आ रही थी, याद आ रही हैं जो उन्हें, जो उसने भूत और डेविल्स की, शैतानों की अपनी नानी, अपनी दादी से सुनी. अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शैडो ऑन द वॉल. अब होता क्या है, हिज फियर इज ऑन हिज हेड, नो हिज फियर इज ओवरटेकिंग हिम, उस पर हावी हो रहा है. अब होता क्या है, अ रे ऑफ लाइट, बिल्कुल नो लाइट की किरण होती है, रोशनी की किरण होती है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम स्ट्रीट लैम्प, जो रास्ते में लैम्प्स लगी हुई हैं. सो दैट लाइट इज़ कमिंग इन टू द रूम, स्ट्रेट इन मतलब आना, किसी चीज़ का आना. सो द स्ट्रीट लाइट इज़ कमिंग इन टू हिज रूम एंड मेकिंग अ शेडो ऑन द वॉल. और जब लाइट, क्योंकि जब अंधेरे में लाइट अगर आएगी तो ऑफकोर्स उसमें कोई ना कोई शेडो बनती है, तो वो उस लाइट की वजह से, उसके कमरे में किसी ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है, उसके कमरे की दीवार पे कोई शेडो बन जाती है. और ऑफकोर्स अगर पूरा डार्क पड़ा हुआ हो, लाइट उसमें आती है, फ्लैश होती है लाइट, और कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है, तो क्या होता है, उसकी जो शेडो, कुछ भी हो, सिंपल से सिंपल शेडो भी डरावनी, हॉरिबल लगती है हमें, ठीक है. सो नाउ द लाइट इज़ कास्टिंग अ शेडो. कास्ट का मतलब होता है मेक या बनाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को बनाना है, क्रिएट करना. थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइज रीच्ड हिज ईयर एंड द टिकिंग क्लॉक, रसल ऑफ ट्रीज, स्नोरिंग साउंड एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग. अब उसको इस साइलेंस में सब कुछ, जो बहुत ही साइलेंटली, जो वो आवाज़ें जो बहुत ही धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे हो रही होती हैं, उसको सब उस शांत माहौल में, स्टिलनेस का मतलब है उस ठहरे हुए एटमोसफियर में, माहौल में, उसको हर तरीके की आवाज़ आ रही है, उसके हर तरीके की जो नॉइज़ है गोइंग और रीचिंग इनटू हिज ईयर, रीचिंग हिज ईयर, उसके कान तक पहुंच रही है. सो किस किस चीज़ की नॉइज़ है, द साउंड ऑफ टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जो टिक 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 आवाज़ आती है. एंड चिल्ड्रेन, यू मस्ट हैव सीन वॉच्ड मूवीज़, दैट हॉरेबल मूवीज़ में जब टिक 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 आवाज़ आती है एट नाइट, सो लिसनिंग टू दैट नॉइज़ और हियरिंग दैट साउंड, वी फील अफ्रेड, हमें भी डर लगता है. सो ऑफकोर्स स्वामी इज़ ऑफ ओनली 8 to 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड ही इज़ टू मच अफ्रेड ऑफ दिस दीज साउंड्स. सो एक तो टिक टिक टिकिंग की आवाज़ आ रही है एंड रसल ऑफ ट्री, रसल मीन्स होता है सरसराहट, जो ट्रीज जो हिलते हैं, मूव करते हैं, जो साउंड होती है सरसराने की, उसकी भी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है. एंड देन स्नोरिंग साउंड, कोई खराटा ले रहा है उसके घर में, बिकॉज नानी भी हैं, उसके पेरेंट्स भी हैं, सो समवन और द अदर इज स्नोरिंग वाइल स्लीपिंग, तो उसको खराटे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है. एंड देन द साउंड्स मेड बाय द स्मॉल इंसेक्ट्स, बहुत ही वेग का मतलब होता है बहुत ही हल्की सी साउंड, बहुत ही धीमी धीमी साउंड जो है वो सुनाई दे रही. हमिंग का मतलब जो कीड़े मकोड़े बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मस्किटोज रात में गुनगुनाते रहते हैं, हमिंग करते रहते हैं, देन झिंगर होता है, तो ये सारी जो गुनगुनाहट है, आवाज़ की गुनगुनाहट है, ये सब उसके कान तक जा रही हैं. राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज़ अगेन चिल्ड्रन, this is for all and I hope that you have again understood each line of this story. Is this each line of this yes, of course, this part. So children, again I'm going to ask you a few question. My first question is to you, that why did his father, why did Swami's father want him to do, उसके फादर उससे क्या चाहते हैं, वॉट काइंड ऑफ फियर ही वॉन्ट्स हिम टू गेट रीड ऑफ, किस तरीके का फियर उसके दिल से निकालना चाहते हैं. वाई डिड स्वामीज फादर वॉन्ट हिम टू डू, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट प्रोमिस डिड स्वामीज फादर मेक स्वामी डू, कौन सा प्रोमिस स्वामी के फादर उससे करवाते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, Why was Swami able to listen or to hear all the noises? वो सारे जो
वेग नॉइजेस थे, बहुत ही स्लो स्लो नॉइजेस जो बहुत ही स्लो पेस में चल रहे थे, बहुत ही स्लो आवाज़ में थे, उसको क्यों सुनाई पड़ रहे थे? वाई वॉज स्वामी एबल टू हियर ऑल द नॉइजेस एट नाइट वाई स्लीपिंग? ओके, नाउ नंबर क्वेश्चन नंबर फोर इज, How did the shadow cast on the wall? How did the shadow cast on the wall? कैसे जो shadow थी उसके room में, room की दीवार पर बन गई, क्या reason था? So children, you need to answer four questions. And again, I would repeat my words. If you have any doubt, keep on asking. Right? Get clear the doubts. Otherwise, things will be too late. बहुत देर हो जाएगी. Right? So children, keep updating yourself with the videos and keep sending your work and the questions which are asked in between the video. You need to answer, you need to at least answer yourself. Okay? So children, thank you so much. Bye-bye.